हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकॉन के नए फ्लैगशिप डीएसएलआर के बारे में, जो कि है निकॉन का D850 जो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और इतने अमेजिंग इंप्रेसिव फीचर्स के साथ में लॉन्च हुआ है कि उसके ऊपर एक वीडियो तो डेफिनेटली बनता है और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोगों को उस चीज के बारे में मैं बताऊं। अगर आपको मालूम होगा तो निकॉन के जो 800 सीरीज है उसी में जो लास्ट डीएसएलआर था वो है निकॉन का D810, उसी के बाद में ये आया है निकॉन का D850। अब इसमें कुछ फीचर्स इतने अमेजिंग है कि ये जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कैनन का 5D Mark IV या फिर सोनी का A9, उसके काफी सारे फीचर्स को भी ये मात देता है। काफी अमेजिंग फीचर्स हैं फोटोग्राफर्स के लिए, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो फीचर्स है काफी अमेजिंग है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आपको जो भी हमारे फ्यूचर वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आ पाएं और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और अगर आपने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फीचर की बात करते हैं, वो की है सेंसर। D850 का जो सेंसर है वो है 45.7 मेगापिक्सल का जो फुल फ्रेम CMOS सेंसर है, जिसमें गैपलेस ऑन चिप माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि डिलीवर करेगी आपको एक्सेप्शनल शार्प और इनक्रेडिबल डायनेमिक रेंज। और अगर आप बात करें इसके ISO की, तो इसको भी बूस्ट किया गया है सेंसिटिविटी रेंज को। आपके पास में हाई 2 का ऑप्शन है जो कि इक्वलेंट होता है 108,400 ISO के बारे में, और अगर आप लो 1 की बात करें वो इक्वलेंट होता है ISO 32 के। बात करते हैं नंबर 2 फीचर जो कि है ऑटो फोकस सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आप D850 की बात करें तो इसमें अमेजिंग 153 पॉइंट्स हैं AF सिस्टम के लिए, जो कि D5 में भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बात करते हैं नंबर 3 फीचर की, जो आपको ऑप्शन देता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो कि आप 24, 25 या 30 FPS में शूट कर सकते हैं। यही सेम कैपेबिलिटी आपको D5 में भी मिलती है, पर वहां पे आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, पर इसका अमेजिंग सेंसर उसी के साथ में 4K USD रिकॉर्डिंग इसको काफी इंप्रेसिव बना देगी। इसी के साथ में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर आप यहां पे लो रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप 1080p जो रिकॉर्डिंग है इसकी, वो आप 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप इस पर टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना चाहें किसी भी आपके वीडियोस के लिए, मूवीज के लिए, तो आप इसको 8K में USD में रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि काफी अमेजिंग है। नंबर 4, बर्स्ट शूटिंग। अब बर्स्ट शूटिंग के आपको ऑप्शन देता है 7 FPS में रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि काफी अमेजिंग है। वो आपको D810 में भी देखने को मिला था, पर अगर आप इससे भी फास्ट शूट करना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप MBD18 बैटरी पैक को यूज करते हैं तो आपको यही जो 7 FPS है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं शूटिंग करते हुए 9 FPS में, जो कि काफी अमेजिंग है। और यही चीज आपको देखने को मिलती है D5 में। बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि है फोकस स्टैकिंग। अब यहां पे आपको मैन्युअली फोकस स्टैक इमेज करने की जरूरत नहीं है। D850 में आपके पास में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि है फोकस शिफ्ट फोटोग्राफी फंक्शन। यहां पे ये क्या करता है कि ये आपको एनेबल करता है 300 फ्रेम तक आपका सीक्वेंस लेने के लिए, जो कि आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट कर सकते हैं कई स्पेसिफिक एक स्टार्ट पॉइंट से इन्फिनिटी तक फोकस को शिफ्ट करने के लिए। और इसी के बाद में जब आप इसकी बात करें कि आप इसके जो शटर इंटरवल है वो कितना रख सकते हैं, तो 0 से 30 सेकंड्स का शटर इंटरवल रख सकते हैं और आप इसके डिफरेंट लेवल को चेंज कर सकते हैं। आपको इसके बाद में करना क्या है, इमेज एडिटिंग प्रोग्राम यूज करना है फोटोशॉप के लिए। सारी फोटोज को कंबाइन कीजिए और आपका काम ईजिली हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ डूइंग इट मैनुअली ये सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी डिटेल्स फोकस ट्रैकिंग के लिए हम एक फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली करने वाले हैं। नंबर 6 की बात करें, वो की है इसका बिल्ड। अब बिल्ड बहुत ही अमेजिंग है। ये वेदर और डस्ट सीलिंग के साथ में आता है। इसके साथ में ऊपर टॉप में, रे में, बॉटम में कवर्स हैं, तो काफी अमेजिंग इसकी बॉडी हो जाती है आउटर। अगर आप इनर बॉडी की बात करें तो भी ये मैग्नीशियम अलॉय से बना हुआ है, तो काफी अमेजिंग है। और मेरे हिसाब से इसका जो ग्रिप है वो काफी रीडिजाइन हुआ है, जो आपको और भी अच्छे ग्रिप के लिए और भी अच्छी होल्ड के लिए आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। उसी के साथ में आपके पास में इसकी जो शटर साइकिल है वो 2 लाख है, तो डेफिनेटली आप काफी अमेजिंग फोटोज काफी टाइम तक ले सकते हैं, सालों साल इसको यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं नंबर 7, जो कि लास्ट नॉट द लीस्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि इसका प्राइस और अवेलेबिलिटी। अब उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकॉन D850 प्राइस हुआ है लगभग 3300 US डॉलर के बराबर, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग होगा 2.25 लाख के आसपास। तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का प्राइस है,
आपको अगर लेंसेज लेने तो डेफिनेटली वो सेपरेट होता है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है लगभग वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी 7 सितंबर से, तो अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है निकॉन का D850 विद ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर आपके पास में इतना बजट होता है, जी हाँ $3,300 का, लगभग 2.25 लाख का अगर बजट होता है, तो क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे, क्या आप खरीदना चाहेंगे? और अगर आपके पास में ऑलरेडी निकॉन D800 है जैसा मेरे पास में है, तो क्या आप कंसिडर करेंगे? मैं अपना आंसर देना चाहूंगा, मैं डेफिनेटली इस कैमरा को, इस DSLR को कंसिडर करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम निकॉन D800 टू 850, क्योंकि काफी अमेजिंग फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है अभी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या सोच है इस कैमरा के बारे में, इस DSLR के बारे में, और हम इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकी सभी लोगों को भी D850 के बारे में मालूम हो, इसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में मालूम हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और चौथा प्लीज कमेंट, या डू दैट। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।